अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शारल्स किचन। आज हम आपके साथ अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब कद्दू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 750 ग्राम कद्दू को अच्छे से वॉश करके छिलके समेत पीसेस में काट लिया। तेल हमने चढ़ा दिया है, 4 से 5 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल गर्म होते ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे हम, जिसमें हमने आधा टीस्पून सौंफ ले ली है, आधा टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून राई दाना। ये डालकर हम इसको सॉटे कर लेंगे, हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये चटकने लगेगा तब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाल देंगे। अब देखिए ये चटकने लगा है, इसमें हमने स्लाइस अनियन 2 मीडियम साइज़ की डाल दी है। अब इसको अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे। अब देखिए प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है और ये हल्की सी फ्राई हो गई है, इसका कलर लाइट पिंक हो गया है। अब हम इसमें 4 सूखी मिर्चें जो बड़े पीसेस में काट ली थी ये डाल दी, और 1/4 टीस्पून हींग डालकर अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। अब हमें प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। मिर्च हम बाद में डालते हैं, क्योंकि पहले मिर्च डालेंगे तो जल जाएगी, इसलिए मिर्च को हम बाद में डालते हैं। अब देखिए इसका कलर अच्छे से गोल्डन कलर का हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें कद्दू अपना डाल देंगे। तो देखिए सारा कद्दू हम इस तरह से डाल देंगे और अच्छे से जल्दी से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे हम मसाले मिलाते हैं। 1/2 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया, नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले बहुत ही अच्छी तरह से कद्दूओं में मिक्स हो जाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया। आप ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें हमने अभी पानी नहीं डाला है। अब देखिए हम खोलते हैं 5 मिनट के बाद। देखिए इसमें पानी उतर आया है, कद्दू का पानी इसमें उतर आया है। थोड़ा सा भी हमने इसमें पानी नहीं डाला था। अब देखिए इसको हम चला लेते हैं अच्छे से, कद्दू को ऊपर नीचे कर लेंगे। अभी इसमें कद्दू का पानी है तो इसको अच्छे से चला कर हम फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है। 5 मिनट के बाद देखिए फिर से हम इसको खोलते हैं और इसको मिक्स करते हैं। इस स्टेज पे देखिए कद्दू का पानी हमारा पूरा सूख चुका है। अब इसको हम चलाते हैं, सारा पानी कद्दू का सूख चुका है। और अब हम चेक करते हैं कि कद्दू हमारा कितना गला है। तो कद्दू हमारा 50% गल चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। पानी हम बाद में इसलिए डालते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कद्दू का ज़्यादा पानी निकल आता है और उसी पानी में ही कद्दू हमारा गल जाता है। तो इस टाइम पे देखिए हमारा कद्दू का पानी ज़्यादा नहीं उतरा था, तो थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। अब फिर से हम इसको ढक देंगे और ढक के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएंगे इसको गलने में, तो इसको एक बार बीच में ज़रूर चेक कर लें। 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला। अब देखिए मैं इसको चेक करती हूँ कि हमारा कद्दू कितना गला है। तो इसको अच्छे से हम पहले चला देंगे। अब हम कद्दू चेक करते हैं, हमारा कद्दू अच्छे से गल चुका है। टोटल 20 मिनट में हमारा कद्दू अच्छे से गल चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 टीस्पून पिसी खटाई डाल देंगे।
और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जितना भी पानी इसमें बचा होगा उसको हम भून लेंगे और कद्दू को इस तरह से हम मैश करेंगे, चम्मच से हम मैश कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा खड़ा कद्दू और थोड़ा मैश कद्दू बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा कद्दू हम इस तरह से मैश कर लेंगे और अच्छे से इसको हम भून लेंगे ताकि जो भी पानी रह गया हो वो अच्छे से भून जाए। अब कद्दू हमारा भून चुका है, हम इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और अगर आपके पास पुदीना हो तो थोड़ा पुदीना भी डाल दें, जिससे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारी कद्दू की सब्ज़ी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको एक बार मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।